नमस्कार, मैं हूं रुखसार खान और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी पर देश प्रदेश बुलेटिन। सीतापुर पिसावा क्षेत्र के पाताबोज में स्थित श्री सुंदरलाल श्रीवास्तव माध्यमिक विद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आए किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने संस्कृत ज्ञान परीक्षा में अव्वल आए कक्षा 10 के छात्र सूरज व कक्षा 12 की कविता शोभना को सम्मानित करते हुए कहा कि विदाई बहुत दुख भरा पल होता है, सभी को अतीत को भूलकर भविष्य की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा, गांव के छोटे छोटे विद्यालयों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस विद्यालय के शिक्षकों को कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने इन प्रतिभाओं को निखारने का काम किया। वहीं लोकतंत्र सेनानी अनिल सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य, प्रभावशाली बनने व सभी बच्चों के बोर्ड परीक्षा में सफलता की कामना की। छात्र छात्राओं की प्रस्तुति मनोहारी रही। विद्यालय की छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, भव्य गीत, दहेज गीत, विदाई गीत, भारत माँ की झांकी व समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नाटक सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सभी ने कार्यक्रमों को जमकर सराहा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव गया प्रसाद शर्मा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अरुण शर्मा, प्रधानाचार्य राम कुमार विश्वकर्मा, शिक्षक रवि कुमार, राम किशोर, राजेश कुमार, सत्य प्रकाश मैथिल, शिक्षिका जूली सिंह, मिताली सिंह, शिवानी सिंह सहित काफ़ी संख्या में अभिभावक व छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए नीलांचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस पाताबोज की ऐतिहासिक भूमि का सत वंदन अभिनंदन एवं नमन करता हूं। साथ ही इस विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक महोदय, समस्त शिक्षक बंधु, नन्हे मुन्ने बच्चे और प्यारी प्यारी बहनें, बड़ी हार्दिक इच्छा थी क्योंकि ये एक वार्षिक कार्यक्रम आपका वार्षिकोत्सव बन गया है, आपका विदाई समारोह बन गया है। लगभग प्रतिवर्ष आना होता है लेकिन इस बार कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि हम आपके साथ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। सिर्फ दो शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि 18 फरवरी से आप सबकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के साथ साथ, अपने विद्यालय गुरुजनों का नाम रोशन करने के साथ साथ, आप सभी इस देश का नाम विश्व पटल पर ले जाएं, ये मेरी हार्दिक इच्छा। इस विद्यालय अभावहीन विद्यालय, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय, आप लोगों पे गुरुजनों का बहुत ऋण है कि ऐसी स्थिति में आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। किसी ने कहा है कि प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में खेलते हैं। शिक्षक चाहे तो प्रलय कर दे और चाहे निर्माण कर दे। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी इस गांव से भगत सिंह बन के निकले, सुभाष चंद्र बोस बन के निकले, अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बन के निकले, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, आईएएस, पीसीएस, सब इन नन्हे मुन्ने बच्चों में हम देखते हैं और वो यहां से निकले, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है और ईश्वर से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।